बचपन में हम ऐसी चीजें पेंसिल्स यूज किया करते थे, लड़ाई होती थी भाई। हम नहीं रौनक पे कितनी अच्छी लगे रौनक, तुम देख रही हो ये ले लो। वो 18 साल का मुझे क्या कह गया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एक नए व्लॉग के साथ मैं हूँ कंसा और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल कंसा का आशियाना। तो जी कैसे हैं आप सब लोग, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे, जहाँ पे भी रहें खैर खैरियत से रहें। और खुश तो रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे एकदम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खुश हैं। मदाफ टीवी देख रहा है, जहूक मुझे देख रहा है। और आप लोगों के दिन कैसे गुजर रहे हैं, हफ्ता कैसे गुजर रहा है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जिसने मेरे पिछले व्लॉग से नहीं देखे जल्दी से जाए जाके देख ले, लाइक भी लाजमी कर दिया करें और सब्सक्राइब तो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी लाजमी किया करें। तो जी आज का प्लान ये है कि मैं इस तरह करके यूँ बैठी हुई थी तो, और हम लोग हो रहे थे बोर, आज फैंस भी घर पे हैं और बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे, तो हमने सोचा क्या किया जाए, सब काम हो गए हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज बाहर जाया जाए। फैंस ने कहा चले बाहर चलते हैं, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा चलो फिर विंडो शॉपिंग हो जाए, शॉपिंग नहीं विंडो शॉपिंग, लेकिन हाँ अगर कुछ पसंद आया तो ज़रूर ले भी लेंगे, लेकिन आज हमने कंट्रोल करना है और विंडो शॉपिंग करनी है। कंट्रोल कंट्रोल उदय, कुछ बच्चों की चीज़ें देखनी है, वो बच्चों की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, छोटी छोटी बुक्स और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं बच्चों की, वो सब बड़े बड़ा अच्छा लगता है हम लोगों को देखना, टॉयज वगैरह। अब पहले हम अपनी जगह करते थे, अब पहले सबसे पहले बच्चों की देखते हैं तो बड़ा मज़ा आता है देखने में। वो देखेंगे फिर कुछ कपड़े वगैरह देखने हैं, विंडो शॉपिंग, विंडो ठीक है ना, वो देखेंगे और देखें कैसे कैसे प्लान बनता है। अभी कुछ ऐसा प्लान नहीं है कि इधर जाना उधर जाना है, हाँ बस ये है कि विंडो शॉपिंग करनी है। तो और अगले का अगला जो प्लान है वो ये है कि मताफ साहब को है वो घर छोड़ के जाना है, क्योंकि भाई एक एक, एक इस तरह के उसमें सिर्फ एक ही बच्चे को लेके जा सकती हूँ और जहूक बहुत तंग करते, तो मम्मा ने कहा इसको लेके जाना उसको छोड़ जाना, तो भाई मताफ जो है वो घर रहेगा और जहूक जो है उसकी मोचे हैं वो हमारे साथ साथ है आजकल, वो साथ जाएगा, क्योंकि मेरे शूट भी करना होता तो फिर फैज जो है ना वो दो दो को नहीं संभाल सकते, तो ये भी एक मसला है। तो बस फिर अब जल्दी से चेंज करते हैं और फिर टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से चलते हैं। मौसम ठीक है, धूप नहीं है लेकिन गर्मी सी है, तो बस फिर चलते हैं और लाइक का बटन लाजमी दबा दिएगा और चलिए फिर चलते हैं। One hour later. तो जी ये हम लोग जाने लगे हैं, मताफ जो है ना जैसे मैंने बताया घर पे ही है, क्योंकि ना शूट करने में मसला होता है। फैज एज यूजुअल फ़ोन पर बात करते हुए, हवा बहुत अच्छी है, बाइक पे जाएंगे, बाइक का मज़ा ही अपना है, कहीं भी ट्रैफिक में फंस जाओ शूं करके निकाल लो। और जहूक के आजकल मज़े हैं हमारे साथ घूम के रहे, जहूक की खुशियाँ देखें, भैया को छोड़ के खुशियाँ देखें, ये देखें जी फैज को देखें, ये बच्चा छोड़ के जा रहे हैं खुशियाँ देखें इसको हैं, चले फैज फिर चलो। A few moments later. विंडो शॉपिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा मैं आपके लिए कुछ ले लिया, मैंने उसे फिश मतलब फिश वगैरह याद करवानी है, इसमें अच्छी है पर मुझे अच्छी नहीं लग रही है, ज़्यादा अच्छी है तो मैं भी ये लूँ, फिर हम अपनी विंडो शॉपिंग स्टार्ट करेंगे। तो जी अब सिर्फ और सिर्फ आपको नज़र आएगी हमारी विंडो शॉपिंग, तो अभी हमारे साथ रहिए, अब मैं आपको नज़र आऊँगी कम कम बल्कि घर जा कर ही। अब तो जी ये सारी डॉल्स थी, कार्स हैं, ट्रेन्स हैं, ड्रोन्स हैं, सब बहुत अच्छे लग रहे हैं बच्चों के, टॉयज तो बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे, अट्रैक्ट करते हैं। और जी अब हम आ गए हैं किसी स्टेशनरी शॉप पर, हम लोग आए हैं और यहाँ से, यहाँ पे एजुकेशनल चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं, हर तरह की, वो यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, हर तरह से मिलती हैं। जब हम यूनिवर्सिटी में थी ना तो हम यहाँ से अक्सर बुक्स वगैरह ले लिया करते थे। और अब ये देखिए, ये मैं मताफ वगैरह के लिए देखने आई थी, ये लंच बॉक्स देखें कितना अच्छा है, अगर मुझे पता नहीं कि येलो अट्रैक्ट भी बड़ा करते हैं, हर तरह के लंच बॉक्सेज हैं। मताफ जब जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह तआला हमें वो वक्त लिखाए तो फिर इंशाल्लाह उसको दिलाऊंगी। देखें कितने तरह के लंच बॉक्सेज हैं, हर तरह के हैं, ये ओनो स्क्रैबल वगैरह, ये गेम्स वगैरह, और ये ऊपर सारे ना मैग्नेटिक बॉक्सेस थे, मतलब वो गेम है कोई ना, प्ले बॉक्स है बच्चों का ना, मैग्नेटिक है सारा, बच्चों के खेलने के लिए पजल टाइप जो होता है ना वो है। और जी ये सारे जो हैं ये क्या हैं, ये फ्लैश कार्ड्स हैं, कलर्स के, नंबर्स के, शेप्स के, ये भी बड़ा अच्छा है। और जी अब जी ये देखें, ये सारी बुक्स हैं, अच्छा ये ना कुछ मतलब बोर्ड बुक्स भी हैं, दूसरी बुक्स भी हैं,
और ये जो है ना, ये सॉफ्ट बुक्स नहीं होती बच्चों के लिए एनिमल्स वाली, ये वो हैं, बड़ी अच्छी हैं और प्राइजेस भी ठीक हैं। ऑनलाइन अगर हम मंगाएं तो हमें 200-300 महंगी मिलती है, लेकिन यहाँ पे ठीक अच्छी थी। और ये सारी जो हैं ये बॉक्स बुक्स हैं, ये देखें ये स्टोरी बुक्स हैं, बचपन में मैं लगा करती थी ना, ये देखें बचपन है ना, फिर याद आ रहा है ना बचपन। और ये मैं यहाँ पे बहुत 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 टाइम बाद आई हूँ, बहुत अरसे बाद आई हूँ, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है। आकर इंशाल्लाह फिर से चक्कर लगाऊंगी, मुझे आपके लिए चीज़ें लेखनी है। अच्छा ये देखें, ये मैं आपको फ्लैश कार्ड्स जो बता रही थी, वो सारे फ्लैश कार्ड्स हैं कलर्स के, ये व्हीकल्स के, ये ABC 1 2 हर चीज़ के फ्लैश कार्ड्स हैं। और ये सारी ये देखें, ये जो मैं फोनिक बुक्स की बात करी थी, ये वो फोनिक बुक्स हैं। देखें कितनी अच्छी लग रही हैं बच्चों के लिए, कितनी मतलब ज़रूरी, कितनी अच्छी हैं। ऑनलाइन से बेहतर नहीं है कि आप जाके ख़ुद अपनी पसंद की देख के ले लें। और ये देखें, ये जो बुक थी ना, ये मैग्नेटिक बुक थी, खुद ब खुद ही यूं करके टक करके बंद हो जाती थी। तो ये ना बड़े अच्छी हैं, देखें ये ना गोवा हैं, मतलब कि इसमें ना ये पजल टाइप हैं ऐसे, तो जैसे आप इसमें ढूंढना है शेप के हिसाब से, शेप भी इन बच्चों को पता लग जाती है और नॉलेज की नॉलेज। देखते हैं लेते हैं कि नहीं लेते, देखो ज़रा मुताफ़ मुताफ़ के लिए हम चीज़ें ले रहे हैं, वैसे हम विंडो शॉपिंग पे चेक करें, ये भी बड़ी अच्छी है, अभी सोच रही हूँ लेने का ना मुताफ़ के लिए, मतलब शेप्स बच्चा सीखता है। वो पूछ लेते हैं, इस पर बॉक्स पे लिखी होगी, ये भी बहुत अच्छा है ना वैस। ये देखें, ये हम खेला करते थे गेम, ये वो गेम है, ये अल्फाबेट्स हैं, इसके अलावा भी पता नहीं है, ये खोल के चेक करना पड़ेगा ये क्या है। ये देखें, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये ABC 1 2 भी होगी, सारे पजल्स, ये बहुत अच्छी है ना नॉलेज बच्चों के लिए। और वो जो आप मैग्नेटिक कह रहे थे ना, वो ये चीज़ें हैं, ये रख दें उधर ही, थक जाएंगे। जो बचपन में हम ऐसी चीज़ें पेंसिल्स यूज़ किया करते थे, लड़ाई होती थी भाई, हमने ये लेनी है ये लेनी है। देखिए ये गेम वाली है, ये देखें ये गेम वाली, ये देखें ये हॉर्स वाली, पता आपको भी इन चीज़ों का पता नहीं है वरना मैं उसको दिलाती। ये देखें कितनी अच्छी अच्छी सी है, बड़ा मज़ा आएगा जब मुताफ़ स्कूल जाएगा ना, है ना फिर। ये जी बच्चों के टॉयज हैं, इधर सारे टॉयज हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, बड़ा कुछ दिलाना है मैंने मुताफ को और सब को, बस थोड़े से बड़े हो जाएं तो ना, थोड़े समझ आ जाए तो फिर दिलाऊंगी। ये सारे बॉक्सेस, रजिस्टर्स, डायरीज का तो मुझे वैसे ही बड़ा शौक है, देखें कितनी अच्छी प्यारी प्यारी डायरीज हैं, लेनी। ये देखिए फैज का फेवरेट पैरेट्स, फैज ने कहा है नहीं, ये स्टिकर्स, मुझ, ये जी बर्थडे की चीज, भाई कितना कुछ लेने को दिल कर रहा है। ये जी फैज कह रहे हैं ले लें, और मुताबिक में कोई नहीं पहनना, 200। ये फैज ले रहे हैं, फैज ले रहे हैं। ये देखें, ये चेक करें कितनी अच्छी गेम है ना, ये जो ये रिंग्स को उसमें मतलब सारे रिंग्स को इकट्ठा करके डालना होता है, यार ये बचपन में कितना खेलते थे। ये जी ये देखें, ये मेरा पसंदीदा डिपार्टमेंट पेंटिंग्स का, यार मेरा सारा ये फील्ड यही रहा है ना, तो ये चीज़ें तो मुझे इतनी 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 अट्रैक्ट करती हैं। यूनिवर्सिटी में सारा फैशन डिज़ाइनिंग टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का रहा है, बड़ा यार बड़ा मज़ा आता था, मैं आते थे बड़ा यार ताज़ा हो गई। देखिए फैस की रिंग्स देख रहे हैं, मैंने कहा था ले लें, लेकिन हम विंडो शॉपिंग पे थे तो फिर नहीं लिया उन्होंने, नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। देखें कितनी कितनी अच्छी चीज़ें, ये देखें सारे जो है ना की रिंग्स हैं, और इसके सारे नीचे ये एक्रेलिक कलर्स, यार आई लव कलर्स, बहुत 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 अच्छे लगते हैं। आपको मेरे सारे मेरे थंबनेल्स वगैरह से पता लगता होगा कि मुझे कितना कलर्ड अच्छा लगता है, सारे मैं इसीलिए कलर्स कलर्ड बनाती हूँ, मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता है। देखें बच्चों की भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, ये मैंने इंशाल्लाह ताला मुताफ़ एक्टिविटीज़ करवाऊँगी तो फिर इंशाल्लाह लूँगी। और ये देखें ये क्लिप्स हैं, कितने प्यारे क्लिप्स हैं ना, और ये सारी डेकोर में जो चीज़ें यूज़ होती हैं ना, ये सारी वो थी, और ये सारी पेंटिंग्स की। और ये देखें ये रेनबो कलर्स में, ये ब्लू कलर बनाने के लिए रेड येलो, सारी ABC वगैरह जो बच्चे पेंट शेंट कर लें, सब वही चीज़ें बहुत अच्छी हैं। ये जी
जगह हम बड़ी बार देखते थे कि आएंगे, और आज जब हमने विंटर शॉपिंग करनी है ना तो मुझे ये नज़र आ रही है फजूल। कितना कंट्रोल कर सकते हैं ये भी तो देखना है ना। जी ये देखिए ये रौनक पे कितनी अच्छी लगे। रौनक तुम देख रही हो ये ले लो। अच्छा ये 3 पीस है ना, ये कितने का है? ये वाला उंधे का 4000। अच्छा है, बहुत अच्छा। इतना ही स्टिच करा के भी यही पड़ जाता है। रौनक पे अच्छी लगे लंबी लंबी। और ये जी ये देखिए ये सारे जो है ना ये सारे शर्ट पीसेज हैं डिफरेंट ब्रांड्स के, तो बहुत अच्छा था, बहुत दिल कर रहा है ले लूं लेकिन नहीं लेना विंडो शॉपिंग यू नो। माँ के दिखाने के लिए तस्वीरें ले रहे हैं क्योंकि आज हम देखने आए हैं ना विंडो शॉपिंग। शीशा गंदा ले ली पिक्चर। ये देखें ये दुपट्टे कट वर्क में बहुत अच्छा लग रहा है। ये है भी ना बोरिंग वाले स्टाइल में है ना। ये गले में भी एम्ब्रॉयडरी है, ये दामन। अच्छा ये हैवी है। ये देखिए बड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। ये कलर बहुत अच्छे हैं सारे। ये देखिए तो मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है, वरना मेरे हिसाब से दुपट्टे ना बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। देखिए ये सारे 3200 अच्छे लग रहे हैं। और ये जी हम चलते 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 आ गए हैं यूरो स्टोर जीवन में। फैज़ को बाहर से शर्ट्स नज़र आ रही थी तो चलो हमने कहा आपकी भी विंडो शॉपिंग हो जाए, तो फिर हम ये देखने आए थे। फैज़ देख रहे थे ये सारे शर्ट्स, और यकीन माने ये सारी जो शर्ट्स लगी हुई हैं ना अभी इन पे 50% होकर 50% होने के बाद ये 3000 की थी। और मुझे ये बताएं ये 3000 रुपये वाली लग रही थी, ज़रा भी नहीं लग रही थी। और ये 50% ऑफ के बाद थी। और देखें वैसे 6000 की शर्ट है, तोबा है, वैसे इंसान ब्रांड से ना ले ले फिर। खैर हम ये देख रहे थे, अब देखनी तो थी, आ ही गए थे तो हमने कहा चलो तोड़ तक ही पहुंचा दें फिर। ये हम देख रहे हैं और ये देखें ये जहूक साहब जो हैं ये सो गए हैं, और फैज़ को कुछ समझ नहीं लग रही शर्टें देख के। ये देखें फिर हमने कहा चले वहाँ चलते हैं। मैंने कहा चले मैं मेकअप थोड़ा सा देख लेती हूँ वहाँ, लेकिन वहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था तो फिर मैंने वहाँ पर वीडियो नहीं बनाई। ये तो बिल्कुल ही यहाँ खाली है, चेक करें ज़रा। उनको पता था शायद हमने विंडो शॉपिंग पे आना, पहले ही खाली कर दिया था। ये देखिए बता आप लग रहा है मुझे, बता ये देखो तुम डॉल हाउस बचपन की यादें छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी। और फैज़ अपने बच्चे के लिए ना फिर से ट्रक लेके खड़े हो गए। नहीं पिछली बार दिलाया उससे वो उसके अंत कर दिया। देखें सो गया बस, इन्होंने लिमिटेड रखे हुए है ना फैस चॉइस ना। अच्छे नहीं है, मुझे नहीं अच्छा लगा। फिर हमने कहा आज ग्रॉसरी की भी विंडो शॉपिंग हो जाए। कैसा है ना ये देखिए के मजे लेते हैं। और ये जी ये भी ना ये सारा यूरो स्टोर का हिस्सा है, वहीं पर ही है। हम रश भी बड़ा था लेकिन ना ऊपर खिलौनों का था खाली, नीचे जो कपड़े वगैरह थे फजूल, इतना हाइजीन भी नहीं था, गंदा गंदा सा भी था। मतलब बाकी यूरो स्टोर भी मैंने देखे हैं अच्छे, लेकिन ये बड़ा अजीब सा था, मुझे नहीं अच्छा लगा। हाँ यार ये अच्छी लगती हैं पूनियाँ ना। मच 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 लेटर। ये जी हम आकर बैठे हैं थोड़ी देर ना, थक गए थे, जूस शूस ही पी लें। ये मताफ है नहीं, और फैज़ देखो ज़रा धोखेबाज मताफ को धोखा दे के कितने खुश होके बैठे हैं, और वो छोटे वाले को देखो है। मुझे वाकई बड़ा याद आ रहा है मताफ, मैं उसको आज ना प्लेलैंड लेके जाऊँ, मेरा बेटा मेरी जान का टूटा 2 दिन से घर। खुशी हो रही है आपको धोखा दे के उसको? कुछ कहें उसको भी लेके पक्का मेरे पे मेरा बेटा नहीं आया, मैंने उसे प्लेलैंड लेके आना है क्योंकि यार ठीक है। इस मौसम में मक्खियाँ तबाही। आपको 18 साल की हो गई। अच्छा बेटा वो 18 साल का मुझे कह के गया। मज़ेदार खाओ बताओ कैसे हैं।
भाई इसके बगैर हम जी नहीं सकते, खाने के बगैर बाहर निकलो कुछ खाएं नहीं, हो ही नहीं सकता। विंडो शॉपिंग करनी है, विंडो खाना नहीं। कैसे कैसे हम दोनों मियाँ बीवी ने ना खा खा के ना किसी फट जाना है। कसम से हम बड़ा अच्छा लाहौर एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन भी हमने ये भी खाना है भाई। हम विंडो शॉपिंग कर रहे थे, खाना नहीं है ना? Thousands of tears later. तो जी हम लोग आ गए थे घर वापस। आकर थोड़ा देर मताब के पास बैठी, जहूक को सुलाया, फ्रेश हुई। बाहर मौसम अच्छा था, हवा भी चलती थी, लेकिन गर्मी भी थी। तो आज का व्लॉग आप लोगों को मेरा कैसा लगा? विंडो शॉपिंग ये थी, विंडो शॉपिंग बड़ा मुश्किल है भाई, यकीन माने। दिल कर रहा हो एक चीज़ लेनी है और आप ना लें कि भाई विंडो शॉपिंग है, बड़ा मुश्किल होता है कंट्रोल करना। तो जी लेकिन किया जा सकता है, ऐसी भी बात नहीं है कि बिल्कुल नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है। करेंगे एक बार दोबारा, एक यू नो विंडो शॉपिंग का करेंगे, कहीं और करेंगे। और मतलब अपनी ही ना शॉपिंग, कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप, इन पे ज़्यादा कहीं लड़कियां कंट्रोल नहीं कर सकती हैं। तो जी अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो मुझे उम्मीद है कि अच्छा ही लगा होगा, तो लाइक लाजमी कर दें, ठीक है? और सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, बेल के आइकन का बटन दबा दें। इसी के साथ आज का व्लॉग करेंगे एंड। अपना, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें, मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप भी विंडो शॉपिंग पे जाएं, इंजॉय करें। चलें फिर, ढेर सारा प्यार और अल्लाह हाफिज़।